श्राद्ध पक्ष की शुरुआत आज से हो गई है। विदिशा में पितरों का तर्पण करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बेतवा नदी पहुंचे, जहां पंडितों ने पूरे विधि विधान के साथ तर्पण कराया। बेतवा नदी के तट पर पितरों का तर्पण करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। पितृपक्ष का समापन 14 अक्टूबर को होगा। श्राद्ध पक्ष के दौरान बेतवा के अलग अलग घाटों पर पंडितों के मार्गदर्शन में श्रद्धालु तर्पण कर रहे हैं। बताया गया कि तर्पण करने के लिए काला तिल, दूध, सफेद फूल, एक लोटा और कुशा की जरूरत होती है। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पितरों की याद में जरूरतमंद लोगों को भोजन कराते हैं। पितृपक्ष के साथ ही करे दिन की शुरुआत हो जाती है। संपूर्ण वर्ष भर में देवताओं के लिए, पितरों के लिए अलग अलग मास मनाए गए हैं। उसी में से पितरों के निमित्त ये भाद्रपद और आश्विन के 16 दिन ग्राही किए गए हैं, जिनमें पितरों की समा आराधना होती है। पितरों की प्रसन्नता के लिए जनमानस के द्वारा उनकी सेवा के रूप में तर्पण आदि कार्य बेतरवती के पावन तट पर किया जाता है। व्यक्ति को अपनी पितरों की प्रसन्नता के लिए ये तर्पण आदि कार्य करना चाहिए। घर जाकर पंचवली निकालना चाहिए, गौग्रास आदि प्रदान करना चाहिए, जिससे पितर प्रसन्न होकर संपूर्ण सुख सुविधाएं मानव को इस संसार में प्रदान करते हैं। ये ऐसा पितरों का पावन पर्व है।